वेलकम बैक दोस्तों, आज आप लोगों के लिए बड़ी ज़बरदस्त वीडियो में लेकर आए हैं जो आपको आपके गोल की तरफ, आपके पैशन की तरफ, आपके ड्रीम की तरफ लेके जाएगी। दोस्तों, सेल्फ एक्सप्लोरिंग का जो मरहला है, जो कि ड्रीम अपने पैशन को जानने का जो ये जर्नी है, ये दरअसल टाइम टेकिंग जर्नी है। और ये ऐसा नहीं है कि 2 मिनट या 3 मिनट की वीडियो से आप अपने आप को जान जाएंगे। ये आप अपने, ये हर एक इंसान के ऊपर है कि वो कितना जल्दी अपने आप को जान सके। ये वीडियो आपको यकीनन टेक्निक और मेथड्स देगी और आपने इसको अपने रूटीन बना लेना है। दूसरी बात आप लोगों ने ज़रूर अपने जहन में रखनी है, वो ये बात कि इस वीडियो की वजह क्या है। ये वीडियो बनाने का मकसद है ताकि आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकें, आप अपने छुपे टैलेंट को, पैशन को और अपने ड्रीम को हासिल कर सकें, ताकि आप इस दुनिया में कामयाबी हासिल कर सकें। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपसे मैं जो बातें करूँगा वो रूटीन है आपका, कुछ मेथड है तो शेयर करूँगा, उसके साथ उसका अल्टरनेट मेथड भी दूंगा। आपके पैशन, आपके ड्रीम को प्रोफेशन में कैसे कन्वर्ट करना है, इस पर बात करूँगा और आपको कुछ एडवाइस मैं दूंगा। इससे पहले मैं आपसे चाहता हूँ कि आप एक पेपर लीजिए और उस पर बीच में मार्जिन ड्रॉ कर लीजिए पेंसिल या पेन से, और उस मार्जिन के एक तरफ इस वीडियो से नोट्स बनाइए और जो क्वेश्चन मैं इसमें दूँ वो आपने उस तरफ लिख लेना है और इन दी एंड आपने उसके जवाब देने हैं। आपने अपना रूटीन एक बना लेना है दोस्तों। वो रूटीन ये है कि अपने अपने बिलीफ, ओपिनियंस, कंक्लूजन्स और रिजल्ट जो भी आपके अपने बारे में हैं उन सबको भुला देना है। आपने ये नहीं सोचना कि यार मैं नाकारा हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ, क्योंकि हर इंसान इस दुनिया में अपना कोई ना कोई टैलेंट लेकर आया है और वो टैलेंट उसी के अंदर छुपा हुआ है। तो अपने आप को किसी से कंपेयर ना कीजिए, बल्कि अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए। और उसके लिए मैं मेथड्स लेकर आया हूँ। सबसे पहले मेथड जो होता है वो एस्क की क्वेश्चन, उसका नाम मैंने रखा है। आपने की क्वेश्चन कुछ अपने आप से पूछने हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि ऐसा कौन सा काम है जो आप करना चाहेंगे अगर आपको तमाम काम करने की इजाज़त दी जाए। दूसरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपको पैसे की कोई परेशानी ना हो, पैसे की कोई रिक्वायरमेंट ना हो, पैसा आपने आपकी तवज्जो में ना हो, फिर आप कौन सा काम होगा जो करना चाहेंगे। तीसरा ये है कि अगर मैं आपको सक्सेस की गारंटी दे दूँ, कहूँ कि ये काम करो और सक्सेस ले लो, तो ऐसा कौन सा काम है जो आप करना पसंद करेंगे। अब कुछ क्वेश्चन हैं जो कि लेंगे, उनके जवाब लेके तो जाएंगे आपको एक ही जगह पर, लेकिन वो हैं कुछ अलग क्वेश्चंस। जैसे कि ऐसी कौन सी पॉइंट था, ऐसे कौन सा आपके पास्ट में ऐसा पीरियड था कि जब आप सबसे ज़्यादा इंस्पायर्ड थे, जब सबसे ज़्यादा आपने आपको देखा कि यार ये चीज़ बड़ी कमाल की चीज़ है, ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि आप अपनी लाइफ में सबसे ज़्यादा खुश कब थे, सबसे ज़्यादा कौन सा पॉइंट है कि सबसे ज़्यादा आपको हैप्पीनेस, सबसे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन आपको मिली थी। अपने पास्ट में जाइए और अपने पास्ट में अपने आप को देखिए। दोस्तों, ये है मेथड नंबर 1। आपने इन सवालात के जवाब सुकून होकर देने हैं और इनको अपने रूटीन बना लेना है। रूटीनली आपने इन सवालात के जवाब देते रहना है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि आप जो चीज़ सोच रहे हो कुछ दिनों बाद वो चीज़ नहीं होती, बल्कि आपको फिर कुछ और चीज़ अच्छी लगने लगती है। तो आपने इस पुरसकून होकर जितना ज़्यादा आप एक्यूरेसी इसमें लाएंगे, जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी, और जितनी ज़्यादा एक्यूरेसी आएगी उतना ही अच्छा आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकेंगे। चलिए अब हम चलते हैं अपने सेकंड मेथड की तरफ, जिसको मैंने नाम दिया है हैंगिंग क्वेश्चन मेथड। दोस्तों, ये मेथड जो है उसको बताने से पहले मैं आपको कुछ बातें आपसे करना चाहूँगा। वो ये कि हमारी नेचर में एक ऐसा फिनोमेना पाया जाता है कि जो बड़ा अजीबोगरीब सा है। दरअसल होता क्या है कि जब आपके जहन में कोई कन्फ्यूजन, कोई सवाल या कोई क्वेरी आपके जहन में होती है, कोई भी आपको बात जाननी होती है, क्यूरोसिटी होती है, और आपका उसका कोई सोर्स नहीं मिल रहा होता, आप जवाब, आपका सवाल आपके जहन में ही लटक रहा होता है, तो फिर क्या होता है, नेचर आपको खुद जवाब देती है किसी ग्लिम्स, किसी फ्लैश के ज़रिए से जब आपका माइंड में आपका जवाब आता है, और वो अल्टीमेटली दरअसल करेक्ट आंसर होता है। ऐसा बहुत ऑब्जर्व किया जाता है। अगर आपने ऑब्जर्व नहीं किया तो आपको चाहिए कि उस चीज़ को ऑब्जर्व करें। तो दोस्तों, सेकेंड मेथड भी मेरा यही है कि सबसे पहले तो आपने अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स कर लेना है, और अपने आप को रिलैक्स कर लेने के बाद अपने आप से कुछ क्वेश्चन पूछना है। वो ये है कि मेरा दुनिया में मकसद क्या है, आखिर मैं आया क्यों हूँ इस दुनिया में, और आखिर मेरा यहाँ काम क्या है। और इन क्वेश्चंस का आपने खुद से जवाब नहीं देना है, बल्कि इनको हैंगिंग, लटकता हवा में छोड़ देना है। और अब दो नोट करूँ कि आपको नेचर आपको खुद आपको इन सवालात का जवाब देगी, और आपके माइंड में क्लिम्स आएंगे, कुछ आपके माइंड में कुछ फ्लैशेस आएंगे, वो फ्लैशेस ही दरअसल आपके आंसर्स हैं। और उन आंसर्स को आपने सेकंड गैस नहीं करना है, बल्कि उन आंसर्स को कंसिडर करके उनकी तरफ एक स्टेप फॉरवर्ड करना है, उनकी तरफ एक कदम बढ़ाना है आपने, ताकि हम उसको ट्राई कर सकें। दोस्तों, ये मेथड फॉलो करने से आपको अपना ड्रीम, आपका पैशन मिलेगा। लेकिन अगर ऐसा भी नहीं होता, क्योंकि हर एक इंसान अपने अपनी उसकी पर्सनैलिटी होती है, पर्सनैलिटी के लिहाज से उसको अपने आप को एक्सप्लोर करना पड़ेगा, तो उसके लिए भी एक ऑल्टरनेट मेथड मेरे पास है। आपने करना क्या है, एक पेज, उसी पेज के एक तरफ आप लिखें व्हाट आर यू गुड एट, आप किन चीज़ों में बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। एक से ज़्यादा चीज़ें भी हो सकती हैं,
उन चीज़ों को अपने पास लिख लीजिए, और उसके दूसरी साइड पर आप लिखिए कि अपनी लाइफ को आप किस तरीके से चाहते हैं। आप अपनी लाइफ को अगले 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद अपनी लाइफ को किस तरीके से चाहते हैं, कि आप अपनी लाइफ के साथ क्या करें, या अपनी लाइफ के साथ क्या कर रहे होंगे, या अपनी लाइफ में क्या कर रहे होंगे, उनको आप इन दोनों बातों को आप किसी ना किसी तरीके से लिंक करने की कोशिश कीजिए, कंपेयर करने की कोशिश कीजिए, तो आपके पास एक पाथवे जनरेट हो जाएगा, एक रास्ता आपके पास जनरेट हो जाएगा। दोस्तों अब आप लोग किसी पैशन, किसी ड्रीम या किसी सिंपली पाथवे पे पहुंच चुके होंगे। अब आपने करना क्या है कि इस सिंपल पाथवे को आपने ऑब्जर्व करना है कि कैसे आप इन ड्रीम को, अपने पैशन, अपने पैशन को और अपने पाथवे को कैसे आप प्रोफेशन बना सकते हो। आपने करना क्या है, आपने करना ये, एक तरफ आपने अपना ड्रीम, पैशन या अपना पाथवे लिख लेना है, और उसके दूसरी तरफ आपने ये लिखना है कि किस तरीके से आप अपने इन ड्रीम, अपने इस पैशन और अपने इस पाथवे का इस्तेमाल करते हुए हमारे सोसाइटी, इस दुनिया के लोगों को किस तरीके से फ़ायदा पहुंचा सकते हो, या किस तरीके से उनके किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। आपने इस चीज़ को गौर करना है, और जब आप उस चीज़ को गौर करोगे और आप एक नतीजे पहुंचोगे, और वो जो नतीजा होगा वो दरअसल आपका प्रोफेशन होगा। आप लोगों ने अपने ड्रीम, अपने पैशन और अपने पाथवे में, या जो भी आपके प्रोफेशन आपने हासिल किया है उसमें, जो भी लोग पहले से मौजूद हैं, जो भी आपके रास्ते पर, आपके जर्नी पर चल रहे हैं, या उनसे वापस आ चुके हैं, या उसमें कामयाबी की मंजिलें तय कर रहे हैं, या उसमें नाकाम हो रहे हैं, आपने उन सबको ऑब्जर्व करना है, कुछ करना है, उनसे मिलिए, उनके ऑटोबायोग्राफीज़ देखिए, उनकी इंटरव्यूज़ देखिए, उनके बारे में जानने की कोशिश कीजिए, और उनसे ये ज़रूर पूछिए कि आखिर उन्होंने ये काम कैसे किया। क्योंकि इस तरीके से आपसे होगा क्या, आपको क्लैरिटी मिलेगी, और याद रखिए क्लैरिटी पावर होती है। आप अपने आप को मेंटली एंड इन्वायरमेंटली आपने उन कंडीशंस में डालना है जो कंडीशंस में वो लोग मौजूद हैं, ताकि आप अपने आप को चेक कर सकें कि आप वाकई कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वाकई आपका पैशन है या नहीं। तो क्लैरिटी इज़ पावर, याद रखिएगा, और ये पावर ही आपको आगे ले जाएगी। दोस्तों यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, एक तो ये कि आपको ड्रीम मिल गया होगा, और एक ये कि आपको अभी तक नहीं पता चला हो कि आखिर आप, आपका पैशन है क्या। दोस्तों अगर आप लोग अपने ड्रीम पैशन तक नहीं पहुँचे हैं तो उसमें घबराने की बात नहीं, दरअसल सेल्फ एक्सप्लोरिंग का जो जर्नी है ये टाइम टेकिंग है, आपने इसको अपना रूटीन का हिस्सा बना लेना है। इन मेथड्स को, इन टेक्निक्स को आपने डेली नहीं तो वीकली बेसिस पर आपने इनको ज़रूर फॉलो करना है। और दूसरी एडवाइस मैं आपको ये दूंगा, जो भी आप अभी आप काम कर रहे हैं उस काम को आपने बेहतरीन तरीके से अंजाम देना। आए आप जॉब हैं, करते हैं, बिजनेस करते हैं, घर का काम करते हैं, पढ़ते हैं, आपने उस काम को बेहतरीन तरीके से करने की कोशिश करनी है, और अपना फुल पोटेंशियल और फुल एनर्जी और फुल पावर लगा देनी है। इससे हुआ कैसे, ये हुआ कि आप अपने आप को पॉलिश करेंगे, अपने आप को पॉलिश करेंगे तो अपने आप को जानने की कोशिश करेंगे। जब आप अपने आप को पॉलिश करेंगे और अपने आप को जानेंगे, दरअसल आप अपने आप को पैशन और अपने ड्रीम तक भी पहुँच सकेंगे। तो आखिर में मैं एक बात ही करूँगा कि देखिए ड्रीम्स जो होते हैं वो पर्सनैलिटी के लिहाज से होते हैं। कुछ लोग होते हैं इनको स्मॉल ड्रीम्स पसंद है, इनको कुछ के बिग ड्रीम्स होते हैं, और कुछ के क्रेजी ड्रीम्स होते हैं अकॉर्डिंग टू देयर पर्सनैलिटीज। सो जो भी आपका ड्रीम है आपने उनको पूरा करना है, और उनके लिमिट्स को पुश करते जाइए, क्योंकि हर एक ड्रीम एक दूसरे ड्रीम से जुड़ा हुआ है, और तमाम ड्रीम्स मिलकर एक कम्प्लीट ड्रीम बनते हैं, जो कि आपकी लाइफ का ड्रीम होता है। कोई भी इंसान नकारा नहीं होता, ज़रूरत है तो सिर्फ अपने आप को जानने की। अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए और कामयाबी हासिल कीजिए। थैंक यू।